पहले उतारे इन जमीन आप धाम के धनी अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राजी महाराज बता रहे हैं। इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर ये श्यामा जी का श्रृंगार और उसका मंगलाचरण चल रहा है कि पहले इस जमीन में उतारा किसको, हमारी आत्मा को, और लाके बिठा दिया जीवों के ऊपर। तो जब जीवों का संग किया, संग करते साथ ही वो याद भूल गई कि हम शरीर जी के चरणों में बैठे हैं। अब ये शब्द कह के आए हैं कि धनी सौ बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। ये बात परमधाम में तब कही, उस समय ये पता नहीं था कि हमारे मूल तन जो हैं वो हमारे साथ नहीं जा। क्यों? रूहें बेन्याज थी, बीच बक्का 12,000, जाने न आप वतन की साहेबियां आपा, नहीं जानते थे, नहीं शुद्ध थी, क्योंकि केवल एक आनंद अंग इश्क की लीला के बिना कुछ और पता ही नहीं था हमारे तनों को। हमारे तन लीला ही सदा ये करते थे। तो जब ये बता दिया राजी महाराज ने इस ब्रह्मांड के बारे में, तो हमें एक बड़ा अजूबा लगा कि वो कैसा होगा, राजी ही तो बनाएंगे ना, इसलिए हमें दुख नहीं होंगे। तो सुंदरता जी, अब जब यहां पर उतारा तो क्या राजी अलग रह गए? मैं आया यहां सब विद वतन। अब सवाल क्या है कि आए तो सही सब विद वतन से, लेकिन वो विद जो लेके यहां आए वो विद परम धाम में नहीं थी, तो पहचाने कैसे? वहां इलम नहीं था, वहां ये जो चार चीजें उनके दिल की यहां आके खोल रहे हैं, हुक्म नहीं था। ऐ सखियों मैं तुम्हें हुक्म करता हूं, ये कैसे होता था? अब यहां बात आगे हुक्म की, इलम की और इश्क की,
और शहूद, कैसे हो? ये चारें चीजें हैं राज्य के अंग, दिल के अंग हैं। कल से परसों से तीन दिन से यही चर्चा चल रही है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है राज्य के दिल के अंगों की लीला हो रही है, जो परम धाम में नहीं कर सकते थे। वो लीला हो ही तब सकती थी जब थोड़ा सा जुदाईगी हो तो उनको इलम दिया जाए। अब इलम का अर्थ किसी जगह तो वाणी आता है और किसी जगह इलम का अर्थ पहचान आता है। क्या तुझको मेरा इलम है? तो ये जरा समझेंगे तभी बात का पता चलेगा। तो अब आए तो सही राज्य महाराज साथ हमारे, लेकिन परम धाम वाली इश्क और वो आनंद की लीला वो तो छोड़ दी उन्होंने वहीं। अब दिल के जो चार अंगों की लीला है, अब उसको यहां करते हैं तो हमसे पहचाना जाता नहीं, क्योंकि हम फिर वो सोचते हैं कि परम धाम में तो ये नहीं होता था, परम धाम में हुक्म कहां होता था। और आते ही यह कह दिया हम तो हाथ हुक्म के करो क्या करें। अब वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि भाई हम कभी भूलेंगे नहीं, अब भूल का भजन भी साथ लेके चलो। भजन भी वही करवाया जाता है जो वाणी से निकल होता है। कि राजी कहते हैं मैंने कोई और स्पेशल तन नहीं धारण किया, जैसा तुम्हारा तन है वैसा ही मैंने धारण किया है, लेकिन इन तनों में से बाहर ना निकलो तो मैं क्या करूं। राजी कहते हैं इस तन से तुम कुछ लेना चाहो या पहचानो नहीं हो सकेगी, इनसे बाहर निकलो। आप बाहर क्या निकले? हमारी आत्म रूप में जब हम आवे तो राज्य के स्वरूप की हमको पहचान हो। तो ये सारी चीजें जो हैं अब समझने की है, फिर पहचान हो जाएगी कि हम राज्य के हैं और राज्य हमारे हैं। वो हमसे जुदा हो नहीं सकते और हमें जुदा कोई कर नहीं सकता। हम भले अपने माया को कहा है ना उन्होंने कि माया के अंदर तुम नशे में चूर बैठे हो, तो मैं क्या करूं। तुमने कहा था माया देखनी है, हम देख नहीं रहे, हम पकड़ बैठे हैं। देखना और होता है और पकड़ना और होता है। श्रावण का महीना था, पानी बह गए, उफान में होता है, इंद्रियां चल जाती। दो संत थे, नहा रहे थे और नहाने के बाद एक ने कहा भाई पानी ज्यादा आ गया, मैं तो जाता नहीं, नहा के अपना काम हो गया, अब चलते हैं। दूसरा कहता है भाग्यवान आगे शरद ऋतु आ रही है, वो देख कंबल बह के आ रहा है। कहना भाई तुझे कंबल का लालच है, पकड़ ले, मैं तो कंबल के बिना गुजारा कर लूंगा। दो, एक माया के जो कीड़े हैं और एक जिनका ध्यान राज्य की तरफ। अब वो क्या था, रीछ बहता हुआ चला आ रहा था। तो अब दूर से उसका मुंह तो बेचारे का डूबा हुआ था, उसकी पीठ पर जो था वो ऐसे ही लग रहा था कि कंबल है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, इतने में वो भी आ गया। अब उसने पकड़ा तो रीछ ने कहा शुक्र है मुझे भी कोई सहारा मिला। अब वो जब मुंह समेत खड़ा हुआ तो उसकी गर्दन को गले में हाथ डाल दिया। तो बाहर जो साधु खड़ा था वो कहता वो भाई अब तो तूने कंबल ले लिया तो जल्दी बाहर आ। कहता अब मैं कंबल को छोड़ता हूं पर कंबल मुझको छोड़ता है। अब माया हम छोड़ना चाहते हैं पर हमसे छोड़ी जाती, क्योंकि गले में डाल लिया ना, गले से निकल सकती है पर हमारे निकाल सकते नहीं। क्यों? नजर इन्हीं बच्चों पर, परिवार पर, ये सब पर पड़ेगी, कौन छोड़ेगा इसको, कौन निकलेगा? है हिम्मत? इतनी वाणी सुन रहे हो, निकलोगा? निकलो, कौन मना करता है ना निकलो। राजी तो पुकार पुकार के कह रहे, वाणी से कह रहे हैं, भजनों के माध्यम से आपके कानों तक आवाज डाली जा रही है, क्या चोट लगती है?
विचार कर, देखने के लिए आए थे, खेल बनने के लिए तो नहीं आए थे। हम खेल देख नहीं रहे, खुद खेल बन गए। इस वास्ते अब धनी की सुध कहां से आए, धनी की याद कहां से आए, उनके दिल के चार भेदों को कौन समझे जो तरह माया से बाहर निकल के खड़ा हो, वो समझेगा कि ये चीजें क्या है। कल इसी चीज की अपवाणी के हिसाब से तो कह लिया, कर लिया, दिल कहा अश्वभूमि, दिल अश्व कह। उसके बाद हम दिल आखिर गए, कहना उन्होंने कि मैंने भी धन आप जैसा धारण किया, तो देखते हैं कि ये धन आत्म निर्मल है, इसके अंदर अपनी शक्तियां बिठा के काम करते हैं बस। तो फिर हमारी नजर किस पर पड़ती है, तन पर। यही गलती हो जाती है, तनों से बाहर ना निकलो तो मैं क्या करूं। राजी कहते हैं तनों को पकड़ो गए है, ये इसी पे चक्कर खाते रह जाते, तो स्वरूप हो गए। जिसने ये कहा था मैं एक पल भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, फिर जब माया के तन में हमें लाके हमारी आत्मा को रखा, राजी भी आएंगे तो वो नूरमयी तन तो नहीं बदला सकते। लीला के अंदर वो बार बार हमें याद करा रहे हैं, हमें वाणी से जगा रहे हैं, एक एक बात हमें याद भी करा रहे हैं। और फिर जितनी देर तक तो चर्चा है उतनी देर तो हमें राजी हैं। टेंट से बाहर गए राजी खत्म। मैं देखता हूं घंटी रोटी की बज जाए तो एक हिम्मत जितनी होती दौड़ के जाते हैं, और घंटी चर्चा की बज जाए तो यार अभी बात जाना था। इतना कोड दिल के अंदर घुसा हुआ है कि दौड़ के आके आगे सीट ले ले ना, तो रोटी के लिए भागना है। देख पर बैठो सब कुछ नजारा देखो, ये अपने खाना अभी तो शुक्र है राज्य में रहेगा, शाम तक लंगर चलता रहता, सुबह का कोई भूखा नहीं रहता। सबूरी नहीं, शांति नहीं, सभ्यता नहीं, सभ्यता से चले। अरे एक कमरा बना ले, दूसरे में बैठ कर सामने सीढ़ियां हैं, आराम से बैठ। दिल दुखता है कि जीवड़े हैं, आत्म नहीं है कोई। आत्म को दर्द प्रीतम का होता है, ना कि रोटी का। फिर रोटी को भाग जाएगी, कभी आपको लंगर कम मिला है यहां, इसलिए अपना दबड़ी होता। कुछ तो सीखो मानवता की चाल चलो, और फिर उससे उठकर के आगे चलना है। आत्माओं की रहनी में आओ, फिर राजी को पहचानो, राजी का इल्म, राजी की पहचान क्या है। पहले काम इल्म का कहीं अर्थ लगेगा वाणी से, और कहीं राज्य की पहचान। तो जब तक हमें धनी की पहचान नहीं, तो उनके दिल के है ना, दिल के राज बताने के लिए आया। अब वो दिल के राज वही चार चीजें और कुछ पांचवी नहीं, जो परम धाम में लीला राज्यम राज नहीं कर सकते थे उसी के लिए तो यहां लाए। क्यों, वहां हुक्म नहीं दे सकते, द्वैत वाले भी बात नहीं कर सकते, और उसके बाद जो है मेहर करें तो किस पर करें। मेहर तो अपने ही तनों पर करें क्या, जो आत्माएं हैं हम, हमारे तन हैं वो क्या हैं, राज्य के तन है। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तो सुंदर साजी इतनी बात को भी समझें, तो जैसे हम सिनेमा में कभी जाते थे तो वहां पिक्चर देखने के बाद क्या वहीं बैठे रहते थे, क्या मैनेजर को पकड़ लेते थे कि भाई तेरी पिक्चर बहुत अच्छी है यार, मेरी नई सीट पक्की कर दे। हम यहाँ पक्की सीट बनाना चाहते हैं, पक्के मकान बंगले हैं, पब्लिक का नाम लेते हैं तो कई गालियां, यार अभी तो मैंने
कर्जा दे करके मकान बनाया, थोड़ी पढ़ रही आने लग गई ना, अभी रोक दो पैसे, ये अच्छा जाना परम धाम के अंत। सुंदर सर कुछ होश कर, फिर नहीं तो होगा क्या, जो हाल स्वासियों का हुआ, तड़प तड़प के सारे सर के जो है तन छोड़ने पड़े, वो फिर ये ना कहना बताया नहीं ना। जो तामसी थी कड़क से शरीर छोड़ा, चटक पिया के बस, वो भी दुनिया में रहते थे, घर के कामकाज भी करते थे, लेकिन उसमें मरे हुए नहीं थे। हम इन चीजों में मरे हुए हैं, हमारी जान अड़ी हुई है इन चीजों में, कपड़ों में, घर में, बच्चों में और शरीरों में अड़े हुए। तामसी ने, बांसुरी तामसी ने भी सुनी और राजसी ने भी सुनी और स्वांसी ने भी सुनी। तामसियों ने न शरीर देखा, न बच्चे देखे, ना परिवार देखा, पति सामने बैठा है, खाना खिला रही है, बांसुरी बजी, ये नहीं कि थोड़ा इधर से भी हो गए, एक पग थाली में और दूसरा पग छाती में पति के, और दे पा राजियों ने थोड़ा सोचा भाई राजी के पास जाना है, और कपड़े तो ढंग के कल निकाल कर आके उल्टो सुलटो वो भी निकल गए, और स्वांसी ना उधर से जेठ जी आ रहे हैं, ना उधर से देवर जी आ रहे हैं, ना जिनकी जान अड़ी हुई थी ऐसी फंसी के फिर तड़प तड़प के मछली की तरह से, और उनके प्राण निकले, तब आकर वहां पर पहुंची। हमारा असर वही होने वाला है, क्योंकि हमारे प्राण इन चीजों में, मकान में, सूटों में, साड़ियों में, रिश्तेदारों में, सजावटों में पड़ा हुआ, भुगतोगे फिर ना कहना बताया। अभी भी समय है, धनी तो सब विद वतन सहित आए, जो लीला परम धाम में भी नहीं, सब विद कह दिया, परम धाम में सब विद नहीं है, परम धाम में चितगन और आनंद है, परम धाम में चितगन और आनंद की लीला है, और यहां सत चिद आनंद की लीला पूर्ण रूप से और पूर्ण लीलाएं लेकर के आए। ना पहचानो तो मैं क्या करूं, धनी कहते हैं अब तुम ही नहीं पहचानते, पहचान के वास्ते वाणी लाया हूं, वाणी किस लिए लाया हूं कि इसको पढ़ो तो मेरी पहचान कर लो कि लाने वाला कौन है, और क्यों लाया है, रूहों के वास्ते, केवल रूहें ही इसको समझेंगी, दुनिया क्या जाने इन चीजों को, दुनिया क्या जाने इन बातों को, वो तो बस निराकार से आगे मतलब ही कुछ नहीं, उनके भगवान यही बात है, उससे आगे जो प्रिया प्रीतम प्रेम की बात है वो योग माया की बात है, और जो परम धाम में स्वर लीला अद्वैत एक स्वरूप एक लीला एक धन एक बात, वो चीज जो है कौन समझेगा। कहते हैं मैं जिनके लिए लाया वो मेरी रूहें जो है सुन के वो नहीं रह सकती माया के अंदर, वो नहीं कभी भी अटक सकती, वो तो तड़पती होंगी। कहते हैं मैं तभी आया हूं कि वो तड़प रही होंगी मेरे बिना, मेरे प्यार के बिना, मेरे सुख के बिना, मेरे आनंद के बिना, इसलिए सब विघ्न ले। और सुंदर साहब जी इससे साफ वाणी, साफ सरल शब्द और क्या होते हैं, अगर हम ही उसको ना समझें, अपनी निस्बत, फक्त हमारा संबंध निस्बत से है, दिल में आत्म और राज्य की कोई एक शुद्ध की शक्ति जो हमें वो देती है, कभी भी भूल के ना कह लेना मेरा दिल भी अर्श है। कल बताया अगर मेरा दिल अर्श हो गया तो अर्श में हक आ जाएंगे, तो फिर मैं क्या बन गया है? बोलो राज्य बन गए, सबकी इच्छा यही है हम राज्य बन जाए, राज्य ना बनो, निस्बत का संबंध ही निबंध हो
लिख दिया, शब्द पढ़ दिया, अर्श कहा दिल बस। तो भाई अर्श दिल मोमिन जब किया तो फिर उस तन को क्या कह दिया, इंद्रावती के तन में आकर के बैठे, अर्श किया तो प्राणनाथ कहलाए। वो कह दे मुझे मोहर नाम है? क्या दे दिया, कहले इंद्रावती मेरी मोहर भी तू लगाना, श्रृंगार भी मेरा तू कर, और नाम भी मेरा तेरा, तुझे देता। तो जहां हम बैठेंगे, जिस तन में बैठेंगे, वो तो ये सब नहीं देंगे, तो अंदर काम कौन करेगा। तो कभी भूल करके ये तमन्ना ना रखो हमारा दिल अर्श हो जाए, हम राज्य के साथ अपनी निस्बत ही निभा ले, इतना ही बहुत है। अब आगे सुनिए, ना ही अर्श में चल विचाल। अब अर्श की बातें, अर्श में कोई चीज चल विचाल नहीं, बिल्कुल स्थिर है, अखंड है, हर चीज आनंदमय है। इतना नकल कोई है नहीं, इतना नकल कोई है। अब उसकी नकल यहाँ क्या बताएं, यहाँ हर चीज चलने वाली, नाश हो जाने वाली, पेड़ देखो सड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, काट करके धर देंगे, परम धाम में ऐसा कोई वृक्ष नहीं। यहाँ घास है, वहां भी घास है, ये घास पानी की गर्मी है सूख जाएगी, वहां घास को भी वृक्षों को भी क्या चाहिए, राज्य का दीदार। आते हैं ना सुबह 6:45 बजे परम धाम के हिसाब से, कहां तीसरी भूम के प्रसाद में आते हैं, ठीक है। अमीरस हक सिंचत, अमीरस 15 मिनट तक बराबर खड़े रहते हैं, 15 मिनट परम धाम के, 3 बार पशु पक्षी वृक्ष जमीन सब को अपने इष्ट की नजर प्रेम से दे। ये है घास की खुराक, ये है वृक्षों की खुराक, ये है पशु पक्षियों की खुराक, उनका दीदार, खाना दीदार और पीना ये। अब उन लीलाओं को यहां कौन समझेगा, तब समझी जाएगी जब परम धाम वाली अकल निज बुद्ध होगी तो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। जागृत बुद्ध नहीं, यहां पर तो लिख दिया शास्त्रों में, तारतम ये न जानती सच्चदान, जागृत बुद्ध कौन लाए, पराशक्ति नहीं आ सकती, तो निज बुद्ध को लाने वाला कौन है। कई भी कह देते लो जी इन्होंने बुद्धियां ही 3-3 बना डाली, हमने नहीं बनाई भाई, हमारी क्या औकात है, 3 ब्रह्मांड हैं, 3 ही बुद्धियां हैं, ये स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न की ही बुद्धि ब्रह्मा जी हैं, और योग माया के ब्रह्मांड में क्योंकि चेतन है अखंड है इसलिए वहां जागृत हर चीज है, तो वहां जागृत बुद्ध है। और परम धाम सारे के अंदर राज्य महाराज का ही सब कुछ है, तो वहां पर निज बुद्ध है उनकी अपनी। अब वो जब आए राज्य महाराज तो अपनी निज बुद्ध लेकर के आए, तो निज बुद्ध जब आई तो पन्नी परम धाम की सारी लीला ये आया, ये राज्य महाराज की निज बुद्ध की वाणी है। अब इसको और कौन समझेगा, राज्य की बुद्ध के ज्ञान को समझना ब्रह्म सृष्टियों के बिना, लाए कहते मैं वाणी तुम्हारे लिए लाया, बस छुट्टी होगी। क्या जीव समझेंगे इसको, कौन जीव समझ पाएगा। तो सुंदर शास्त्री जी है, अब भी है, चर्चा शुरू हुई नहीं, आंखें बंद हो गई और सुनना शुरू कर दिया, वो जीव है, पहचानने की जरूरत है, किसी को कहने की जरूरत है। अब ये सोने का समय है, अब मैं किसी को खड़ा क्या करूं, गालियां निकलते हैं, बेइज्जती कर, बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है, बड़ी पतली इज्जत की चद्दर होती है, बड़ी जल्दी वो खराब होती है, नींद आ रही है, नींद, और सुनने आए हैं ब्रह्मवाणी,
जाना है हमने परम धाम। जिसको कलेजे में तीर लगा होता है ना, वो रातों जानता है। कातनी का फिक्र नहीं, रातों उनको नींद कहां है, लेटे घंटे दो घंटे फिर उठ के रहे, उनको दर्द होता है, उनको जुदाई सताती है, उनको पिया की याद आती है, वो नहीं सो पाते हैं। किसी के पास की थोड़ी है, जिसको लगी है लागे वाली कछु और वो सूते नहीं। तो अब परम धाम के अंदर हर वस्तु चल अखंड है, क्योंकि वहां का तत्व ही है जो नूरमयी अखंड है, अनादि है, आनंद है, चेतन है। ये गुण है वहां के। अब वो यहां पर कहे ही तो जा सकते हैं, किसके साथ तुलना करके उसकी बताया जाए। अरसो आहे दत्त सदा असल। अब ध्यान के साथ, अर्श क्या है? वो वाहिदत। अर्श वाहिदत सदा असल, जो परम धाम है वहां क्या है? वाहिदत है। एक दिलि है, एक स्वरूप है, एक लीला है, एक खान है, एक पीन, एक श्रृंगार, द्वि का कुछ मतलब ही नहीं। राजी श्रृंगार कराते हैं रूहों को, पर रूहें श्रृंगार कराती हैं। अब यहां जीवड़े क्या समझेंगे यार, बड़े नंगे लोग हैं। जीवों की बुद्धि क्या था? हाँ, राजी महाराज रूहों को श्रृंगार कराते हैं, क्या रूहें नंगी होती? नंगी भाषा है ना, यहां की बुद्धि नंगी है, नहीं समझ पाती। वहां वस्त्र श्रृंगार सब आंखों से होते हैं। राजी महाराज ने अपनी नजर से रूहों को देखा, दिल में देखे कि आज कैसा इनका स्वरूप सजा होना चाहिए, और एक नजर की सब ऐसे सज के दिया। अब रूप में देखती कि धनी आज जरा इस तरह के श्रृंगार में हो तो मजा आ जाए। मजा बाद में कहेंगी, और एक नजर से देखेंगे राजी उसे स्वरूप। अब इन लीलाओं को यहां कौन समझेगा? ये परम धाम की बातें, जिस अर्श में सदा वाहिदत है, असल मिट जाने वाली नहीं है, घट बढ़ अर्श में है नहीं। परम धाम के अंदर इतनी भी चीज घट बढ़ नहीं, जो कहते हो सब के वास्ते एक जैसा है। मिटे ना कबू रोशन, मिटे ना कभी रोशन, वो मिटने वाली नहीं है, अखंड है। और फिर है क्या? जमुना जी पे गए, दिल में आया कि स्नान करना है, तो जल का रूप है कि भाई आज जल के ऊपर खेलेंगे, तो आप जाओ जल के ऊपर बिल्कुल खेतिए, नाचिए कूदिए, जो मत यहां ना किसी नदी में कह देना कि ऊपर खेलेंगे और मेरे लिए मुसीबत न डाल। वो परम धाम की बातें हो रही है। हर चीज वहां की, वृक्ष, पशु और पक्षी, जल थल जो कुछ भी है, रूहों की इच्छा से सब लीला वो करते हैं। तीन स्वरूप को इन मुख। अब वो जो स्वरूप होंगे वहां के, और राजी का स्वरूप है, इस यहाँ के अब मुख से कैसे वर्णन किया जाए? क्यों कर हो वर्णन? आप समझिए कि आप राजी कहते, बोलो कैसे वर्णन करें? ये यहाँ की जुबान है। वर्णन करना अर्श का, और उस पर भी हक जात नूर अकल। अक्षर की बुद्धि क्या करेगी? जित लदुन्नी, राजी कहते हैं जहां मेरी जुबान यहां आकर के गोटी खाती है, कभी नहीं यहां हूं तन यहां का है, वर्णन परम धाम का करना है, कैसे करूं? तो दुनिया क्या करेगी?
दुनिया क्या परमधाम को जानेगी, और जान भी जाएगी तो किस जुबान से बताएगी कि परमधाम कैसा है। वो स्वरूप, वो श्रृंगार, वो लीला, वो तत्व, वो रूप यहां है नहीं, यहां तो सब नाश होने वाला है, तो कैसे वर्णन होगा। एक पहर दूजा उतारना, एक पहरना और दूसरा एक खिन में करोड़ों श्रृंगार, एक नहीं पहनना उतारना। तो अब शब्द यहां पर लगाया गया है कि पहनना और उतारना, वहां ना पहनना और ना उतारना। लीला ही अजर है, जो यहां के कान जो जीवों वाले हैं वो सुन ही नहीं सकते, सहम ही नहीं कर सकते। तब तो घटबड़ होए, और यहां घटबड़ है, वहां घटबड़ का कुछ मतलब ही। एक स्वरूप, एक दिली, एक ही लीला, सब कुछ स्वर लीला अद्वैत, द्वी का कुछ मतलब ही नहीं वहां। जब जैसा चित चित चाहे, देखो जैसा जित चित चाहे, कि हमारे परम धाम के जहां पर जो चाहते हैं, मानो पर बाहर हम वनों में राज्य के साथ तीसरे कौर 3:30 बजे चले गए और वहां लीला होने लगी वनों में जाके, या जहां राज्य महाराज हमको ले गए और लीला हमें बहुत पसंद आई और सोचा अभी तो सूर्य छिप जाएगा, लीला अभी और देखना चाहते हैं। इतना रूहों ने चाहा, सूरज बिल्कुल स्थिर खड़ा रहे, हिल नहीं सकता। जब तक रूहों के दिल की वो चाहना पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक सूरज नहीं आगे बढ़ सकता, तब तक जितनी भी प्रकृति परमधाम की है ज्यों की ज्यों खड़ी रहेगी और वो लीला रोकती रहेगी। ये है परमधाम। सूरज है लेकिन ये नहीं निकलेगा फिर छिप जाएगा ना, रूहों की इच्छा से, राज्य की इच्छा से नहीं, घबरा नहीं जाना। राज्य की नेम प्लेट लगी है परम धाम के मालिक राज्य महाराज हैं। जैसे यहां ही देख लो मकान बिल्डिंगें होती, बाहर नेम प्लेट है, बाबूजी आएंगे अंदर जाएंगे, अरे भाई जल्दी करो कपड़े दो बदलो, कभी तुझे नहीं पता तेरे कपड़े का है? क्यों? वो सारा कुछ किसको पता होता है, जो घर के मालिक है वही लाके देते हैं, लो जी बदलो। तो परम धाम में सारी कुछ लीला जो होती है वो रूहों की इच्छा से। और राजी पहले उठते तीसरे पैर पूछते हैं, श्यामा जी रूहों से पूछो पूछो आज कहां जाना, जहां रूहें कहती हैं फिर वहीं पर राजीव राय लेके जाते हैं। वो वहां की लीला थी, यहां भी हम चाहें भाई राजी से इतना कुछ कहते हैं सुनते ही नहीं, वो तन ले आओ राजी सुन लेंगे, या उन तनों जैसे बन जाओ तो राजी सुन लेंगे। वहां हमारी नजर राज्य से एक मिनट भी बोलो जुदा नहीं होती, और यहां एक मिनट भी राज्य के साथ हमारी नजर जुड़ती ही नहीं, समझे? यहां एक मिनट भी राज्य के स्वरूप के साथ हमारी नजर कभी जुड़ती नहीं, और वहां एक पलक भी कभी राज्य से नजर हटती नहीं। तो जो परम धाम के अनंत है, जो वहां कुछ है, वो यहां कैसे करना चाहते हैं? हां इन तनों से भी जो हम चाहें और राज्य करते हैं कर सकते हैं, उन मौनों के जिन्होंने दुनिया को पीठ दे रखी है, जिन्होंने दुनिया से पीठ दे रखी है और धनी से अपनी नजर जोड़ रखी है, वो मन चाहे सुख यहां पे जाए। और जो पलक के लिए भी माया से निकलना नहीं चाहते, अब आप भी देखो प्रैक्टिकल देखो यहां आ गए, और
उसके बाद सबको मिल मिला लिया, हाजिरी लगा ली कि वो सुंदर सातवी आया था भंडारे में। शाम हुई, प्रसाद दे दो जी जाना है। कहां नजर जुड़ी हुई है, कहां नजर है, माया जाना परम धाम चाहते हैं, जाना लेने सुख परम धाम के जाना चाहते हैं, अपने को धोखा ना दे। मैं तो आया हूं सब विद वतन सहित, तुम ही मुझे पहचान ना सको तो मैं क्या। सुंदर साहब की वाणी के साथ अपने को निर्मल कर लो, दिन थोड़े हैं, नहीं तो स्वान से भी तरह तड़प तड़प के जान निकलेगी और कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तब चित तैसा बनत सोए, जैसा चित में आता है तैसा पित बनत सोए। क्या के मानो दिन है, बूंदे बरसने लगी और दिल में आ गया लोगों के अगर इस वक्त चंद्रमा होता और रात होती तो सुहाना कितना होता, मजा आ जाता। आता बाद में चंद्रमा और रात आ गई और सूरज हट गया। ये है परम धाम के लिए, सूरज हट गया तुरंत जो है चंद्रमा सारे जगमगा रहे हैं और वो लीला हो रही है। ये परम धाम एक दिली वाहिद एक स्वरूप, वो है परम धाम जिसको पीठ दे करके आए। और अब याद कराने पर भी वो बातें वो चीज याद नहीं। और फिर जब राजी कहते नहीं याद आता है, जब राई खूब दुखों में डालो इसे, कभी देखो मुझे याद करेंगे। क्या करें जब याद हम नहीं करेंगे, उन्होंने तो अपनी याद करानी करानी। वाणी से कौन याद करता, सुखों में कौन याद करता और दुखों में। बोलो 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 बोलो। हाँ राज्य महाराज, हे राज्य महाराज, हे राज, क्यों अब क्यों चार चार बार अड़ांगने लगे। दुख में स्मरण सब, सुख में करें ना, जो सुख में स्मरण करें तो दुख। पर फिर ये तो दुनिया के वास्ते है और हमें दुख का मतलब क्या है। हम तो आनंद अंग है राज्य में रह के और सदा सत सुख के दादा हमारे धनी है, दुख से हमें मतलब क्या है। अर्श अरवा चाहे दिल में, अर्श अरवा चाहे दिल में, जो परम धाम की आत्माएं दिल में चाहती हैं वहां सो होए माहे पल एक। एक पलक नहीं लगती परम धाम में, यहाँ की बात नहीं, परम धाम की बात विस्तार चल रहा है कि एक पलक के अंदर जो है वही चीज वही रूप वही लीला सामने आ जाती है। जिन अंग जैसा वस्त्र, और जिन अंग जैसा, जैसा अगर रूहें राजी को चाहती हैं इस वक्त ये नहीं अच्छा लग रहा, ये होता होता बाद में पहले हो जाता। अब राजी की नजर देखती कि आज रूह ने कैसा श्रृंगार कर दिया, यहां तो ग्रीन होना चाहिए था, हो गया है। जैसा दिल में लिया तुरंत वही श्रृंगार वही रूप वही प्रकृति का रंग वही लीला वही आनंद होने लग जाता है। होए खिन में कई अनेक, और एक खिन के अंदर कई अनेक रूप बदलते हैं, श्रृंगार बदलते हैं, लीलाएं होती हैं, आनंद होता है, वह है परम धाम हमारा। सुंदर स्वरूप शोभा लिए, अब स्वरूप कैसे सुंदर, तो सुंदर हल्का शब्द है सुंदरता जी, यहां और ले गया सुंदर कह दिया, बहुत फीका शब्द है। ऐसा स्वरूप के जिसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, ऐसे श्रृंगार हैं, ऐसे स्वरूप हैं, ऐसे वो सारी लीलाएं हैं। श्रृंगार वस्त्र भूखान, श्रृंगार वस्त्र और यहाँ तो एक नया सैंपल निकल आया तो कहां से बनाया, चांदनी चौक से, अच्छा मैं भी बनवा।
वहां बनाना नहीं पड़ता, वहां गढ़ना नहीं पड़ता, वहां लेना नहीं पड़ता। इच्छा क्या है, दूर से देखोगे वैसे ही श्रृंगार सबके किए हुए नजर आएंगे। रस रंग छवि सलूकी, रस रंग छवि सलूकी, स्वरूप जो है उदास चेहरे नहीं, ऐसी शक्लें नहीं, सड़ी सड़ी। रस रंग छवि और सलूकी, शरण के लिए सलूकी कैसी कोमलता है, कैसा नूर है, कैसी छव है उनकी, कैसा रस रंग टपकता है चेहरे पर, नूर नूर है ऐसी वो स्वरूप, ऐसे श्रृंगार हैं। चाहे रूह के अंतस्करण, अब जो रूह के अंतस्करण में बात आती है वैसा ही वो अपने धनी के स्वरूप को देखते हैं। वस्त्र भूखन अंग अर्ज के, वस्त्र भूषण और फिर अंग भी कहाँ के, अर्ज के। यहाँ की बात नहीं चल रही, परमधाम की बात चल रही है। राज्य मराज के आनंद अंगों के तनों के ऊपर वो वस्त्र और भूषण किसके चाहे हुए सजते। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं, पति दफ्तर वाली पैंट पहन के ना शर्ट पहन के चला जा रहा, बदल तो दिए, क्या है फर्स्ट क्लास है, चल तो तू फर्स्ट क्लास साड़ी पहन, क्यों तू मेरे साथ चले तो लोगों को पता चले कि इनकी बीवी है और ऐसी चमक है। अगर यहाँ का खामन चाहता है कि मेरी पत्नी जरा ऐसी बन सज के जाए तो वो अक्षर दे दे, वो अपनी आत्माओं को अपने दिल चाहा श्रृंगार देखते। कहते नहीं कि ऐसा बदलो, क्योंकि वहां को उतारना पड़ना है, उनकी नजर जैसा उनके चित्र में आता है वैसे ही स्वरूप सबके बन जाते हैं। तो सबे है चेतन, और फिर हर चीज जो है चेतन है, जड़ नहीं है, श्रृंगार पहना नहीं है, दिखता है लेकिन चेतन। ये चीजें जो हैं यहां की बुद्धि से समझना भी बड़ा कठिन है। क्या समझे यार, क्या कहते हैं चर्चा अच्छी हो रही, गप्पे मार रहे। अब उनकी बुद्धि में ये चीजें कहां से आएंगी, निज बुद्ध के द्वारा ही ये चीजें समझी जा सकती हैं। और वो निज बुद्ध का ज्ञान क्या है, तात्म। इसलिए पहले जागृत बुद्ध का आया और वो परम धाम तक का वर्णन तो श्यामा जी करते थे, लेकिन मूल में लावे के श्रृंगार स्वरूप छवि ये सब कभी नहीं देवचंद जी ने वर्णन की। जागृत बुद्ध अक्षर की है और निज बुद्ध राज्य मलाय की है और स्वप्न की बुद्धि ज्ञान की है। तीन ब्रह्मांड है, तीन ही बुद्धियां, तीनों तरह का वर्णन जो है जुदा जुदा तरीके से है। सब सुख देवे रूह को, आप ध्यान के साथ राजी महाराज जो कुछ चाहते हैं किसके लिए, अपनी आत्माओं को सुख देने के लिए। और रूहें जो कुछ भी चाहती हैं वो अपने धनी को सुख देने के लिए। ये लीला है अरस परस के परम धाम में। तो क्यों ना देवे नैन श्रवण, तो क्यों ना देवे, नैन भी सुख देते हैं और शरण भी सुख देते हैं। एक एक अंग जो है वो सुख ही सुख के देने वाला है। कभी वहां पर राज्य मराय के नैन तेरे नैन आ रहे। तो बात ये है, नैनों की बात बहुत परे है, ये खेल भी देखा है नैनों से, हम उतरे भी हैं नैनों से, जो कुछ हो रहा है नैनों से। पहली बार ये भजन लिखा गया तो सारे पूछने लगे भी क्या नैनो पहनो, नैनो नैनो लिख दिया है, अब कौन समझे। राज्य महाराज ने हमारे तन वहां बिठाए हुए हैं, क्या चीज फेरी है,
नैन हिला करके तनों पे रख, और खुद भी अपने नैनों के साथ सारी लीला हमको दिखा रहे हैं। ये तो यहाँ की बात आ गई। और परम धाम के सब सुख जरा पढ़ के फुर्सत कहाँ है, एक एक अंग के सुख देखो वहां पर क्या है। नैनों के सुख वर्णन ही नहीं किए जा सकते, फिर श्रवण कानों के जो सुख हैं उससे भी ज्यादा, नैनों से ज्यादा सुख किसके हैं, श्रवणों। क्यों, वो सुनते हैं तो तभी तो राज्य कुछ करते हैं। नैना देखती हैं, सुनती नहीं, लेकिन परम धाम के नैन जो हैं वो सुनते भी हैं। तुम्हारे भी नैन सुनते हैं पर तुम्हें पता ही नहीं, आंखें देखती हैं, आंखें सुनती हैं। आप आंखों को उधर कर लो, कान इधर कर लो, क्या सुनाई देगा, नहीं। प्रैक्टिकल कर लो यहां, आंखों उधर देखो और कान इधर आ जाएंगे, कोई बात सुनाई नहीं देगी। जब आंखें इधर की हुई होंगी तो हर बात तुम्हें सुनाई देगी। इस वास्ते राजी कहते हैं कि वो नैन और श्रवण कहने को दो अंग हैं, है एक ही मधुरता, एक ही श्रमता, एक ही रस पीते हैं, और फिर अंदर बात राज्य के जाती है। तुर्त जो है वो फिर रुखों के वास्ते वैसा स्वरूप वैसी लीला वो सब धारण करते हैं। नया सिंगार साजत, और फिर नया सिंगार साजते, वहां थोड़ा भी चलो और बदलने चले जाए, नहीं, तुर्त ही देखते वो श्रृंगार जो है जैसा चाहता वैसा होता है। तब तो नया पहना कहा जाता, तभी नैना नया और पुराना कहा जाता है कि पहले और दूसरी इच्छा होते ही रूप जब बदल गया तो ये है उतारना और पहनना, जो बदल जाते हैं। नया पुराना अर्श में नहीं, नया पुराना अर्श में नहीं है, नित्य नवतन, नित्य नया तेज रूप प्रकाश स्वरूप, नई नई लीलाएं होती हैं। पर पहुंचे ना इत की बात, पर पहुंचे ना इत की बात, अब इत का दिया क्योंकि राज्य मेरा यहां बैठ के हमें सब कुछ बता रहे, परम धाम बताया और फिर कहते हैं कि यहां तुम चाहो, यहां की बात वहां चले जाए, नहीं, ये जाके निराकार में समाया, शून्य, शून्य में जाके बात समा जाती है, यहां की बात वहां नहीं पहुंचती। जो सिफत बड़ी चित लीजिए, जो बड़ी सिफत, जो सिफत, जो सिफत बड़ी चित लीजिए, चित लीजिए, जो सिफत बड़ी चित्त में ले, अब यहां के लिए कह रहे कि अगर वो जो कुछ वहां के गुण सिफत आपने सुना है अगर वो चित्त में ले लें, बड़ी अकल सो जान, ए बड़ी अकल से समझा जाए, बड़ी अकल क्या, निज बुद्ध के बिना ये समझा नहीं जाएगा। राजी महाराज कहते हैं क्या कहूं, कुछ कहा ना जाए और कहे बिना भी कि परम धाम की वो लीला यहां कहूं तो कैसे कहूं, और कहना इसलिए है कि रूहों को जब तक वो बातें याद नहीं कराई जाती, वो सुध नहीं दिलाई जाती, तो उनके दिल में कभी भी धनी की याद आएगी नहीं, और जब तक वो याद नहीं आएगी तब तक हम माया को पीठ देंगे, माया ही हमको अच्छी लगती रहेगी। फना बता तो क्या कहे, ये फना बैठ करके अगर कोई परम धाम का वर्णन चाहे तो क्या वर्णन करेगा, फना बका को क्या कहे, किस शब्द के साथ कहां कोई तुलना परम धाम की करेगा, करके दिखा। इतना ही तो कह दिया, शब्दा तीत, बस इतना ही कह के तसल्ली कर ली ना दुनिया वालों ने। और यहां अब राज्य महाराज एक एक बात शब्द में कहे, श्रृंगार शब्दों में,
स्वरूप शब्द एक एक अंग राज्य महाराज का खुले अंग माशूक की छाती का यहां तक जो है लाके नख से सिख तक शरीर के अंगों का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, रूप का वर्णन, लीलाओं का वर्णन सब लाके कर दिया है। साथे पहुंचत नहीं जुबान, अब यहां की जुबान अगर चाहे वो वर्णन करे नहीं कोई कर सकता। ये तो पता नहीं राज्य महाराज ने कितनी मेहर देख करके कि ये रूहों की जहर जो चढ़ी है माया की बिन इसके कभी उतरने वाली नहीं, पर अगर इसको कोई रस पिए घोंट भरे देखे तो जहर काट करके जो है ये रख देगा तो भी रूह मेरी ना रहे, तो भी रूह मेरी ना रहे, तो भी जो है आत्म इतना करने पर भी यही की यही फंसी है। इतना कुछ बताने के बाद सुनने के बाद फिर आत्म को यहां रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तुरंत जो है निकल के धनी के चरणों में पहुंचना चाहिए। बस अरे माया के जाल में हक वर्णन किया चाहे, फिर जब रूपों को चोट नहीं लगे तो हक का वर्णन काहे को करना था। लेकिन क्या कहते हैं नई कैवानी माया मावानी इंद्रावती कहते राज्य महाराज ये वाणी कहां आप वर्णन कर रहे हैं। कहते बोल क्या करें, साथ को कैसे जगाएंगे, कैसे इस जहर भरी माया का जो नशा उनको चढ़ा हुआ है वो कैसे उतारे। साथ मार देंगे ना, साथ आवसी रुदी आने तब साथ आएगा जब ये वाणी उनके हृदय में उतरेगी। कहेंगे दूसरी बार कहेंगे तीसरी बार कहेंगे तो कभी तो उनके दिल में चोट लगेगी, कभी तो उनको समझ आ जाएगी कि किस नरक में सर रहे हैं, कौन यहां है तुम्हारा जिसके लिए अजी दो ही घंटे की छुट्टी मिली अब जाना। इतनी वाणी सुनने के बाद क्या घर से आज दिन तक किसी ने निकाला, एक डर डर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि घर वालों के बिना हमारा कोई ठिकाना, घर वालों के बिना हमारा ठिकाना। ये है माया की जहर सिरपोस हुई पड़ी है, रोम रोम में ये धसी हुई है, रोम रोम में इसका असर छाया हुआ है, रोम रोम यही हमारे शरीर को जो है मालक बन के बैठी है। कब इसकी मलकियत हटेगी, जब ये वाणी हृदय में जाएगी, जड़ से जाकर के निकाल देगी जहर भरी सारी बातों को कि हो आत्म तो कहां जीव के संग मिलकर के जहरीली चीजों को खा रहे है, उठ धनी के इस वाणी के रस के घोंट भर और याद कर अपने मूल मिलावे को, याद कर अपने सुखों को, याद कर अपने श्रृंगार को, याद कर अपनी अद्वैत की लीला को, याद कर अपनी वाहिदत को, तो कहीं जाके चोट लगती है। हक इलम आया मुझ पे, देखा हक इलम आया मुझ पे। अब इंद्रावती जी कहते हो सुंदर साहब जी हक का इलम क्या मतलब, क्या हक का इलम आया, बोलो भाइयों किसी को कोई पता नहीं, वाणी नहीं पहचान भाई। इंद्रावती कहती है हक की पहचान मेरे पर आई तो ये मेरे से वर्णन करेगा। यहां पहचान आएगा इसका अर्थ जो है सोया बिन रहो न जाए, कहते अब रहा नहीं जाता, अब मुझे धनी की पहचान होगी, उन लीलाओं की पहचान हो गई, अब रहा जाता नहीं, हुक्म से बांध रखा है ना तो बैठ झूठी जिमी में, नहीं तो ऐसे सुखों को जब हृदय में आ जाए पहचान हो जाए तो फिर जहर भरी दुनिया में कौन बैठ सकेगा। ए बता वर्णन क्यों होए, और फिर यहाँ बैठ के परम धाम के अंगों का वर्णन, सुख का वर्णन, इष्ट का वर्णन, लीलाओं का वर्णन हो सकता है क्या। पर किए बिना भी चैन पड़ता नहीं, क्योंकि रुखों के सामने ये वर्णन करना ही है। इलम हुकम खेचे रूह को, ध्यान के साथ
चारों चीजों से बाहर नहीं जाएगी कोई, सारा स्वरूप सा पाठ लेना चारों चीजों में बंधा हुआ है। इलम और हुक्म, इलम मैंने पहचान राज्य में रखी और हुक्म है, जो लोग हुक्म इलम को कहा नहीं समझा है तो स्वरूप अपने को क्यों कर सकेगा। अब इलम और हुक्म जो है इसको पहला हुक्म राज्य ने दे रखा, जाओ उन्हें मेरी पहचान करो और फिर उन्हें जगा के लेके आओ। अकल जुबा कहे सोए, अब जो कुछ वो बात है वही राजीव राज की दी हुई अकल और जुबान से कहा जा रहा है, वरना यहाँ की अकल और जुबान एक शब्द भी नहीं बोल सकती। शब्दातीती कह के ठंडे हो गए, सार देवी देवता तीर्थंकर का जो कुछ भी ग्रंथ हैं वो भी बस ठंडे हैं, अक्षरातीत शब्दातीत नहीं कहा जा सकता। तो ये दो वर्णन हुआ, हुक्म से और पहचान से, ये जो है होता है। मेरे से क्या पूछना? अकल जुबा कहे सोए, असल कब आओगे
कौआ कौआ।